हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। न्यूज़ ये कि अभी यू नो आज मॉर्निंग में मुझे स्पाइजर से एक मैसेज आया है, नॉट स्पाइजर से बट मेक माय ट्रिप से मुझे मैसेज आया है, और इवनिंग में ही मुझे एक मैसेज आया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि स्पाइस जेट की मेरी फ़्लाइट है, फ़्लाइट मैंने बुक किया था 8 अप्रैल का, एंड 8 अप्रैल मुझे बैंगलोर टू दिल्ली जाना था, लेकिन वो जो है लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो मुझे अभी मैंने कुछ उसको कैंसिल नहीं करा था, ना मैंने कुछ रेशेड्यूल करा, सो मैं केवल वेट कर रहा था कि मुझे कोई वहाँ से मैसेज मिले। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पहला मैसेज जो कि मुझे मेक माई ट्रिप से आया आज, लाइक कल रात को, और आज आप अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो 1:13 AM पे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डियर कस्टमर प्लीज़ रेफर दी दी इन्फॉर्मेशन, सो ड्यू टू अनाउंसमेंट जो भी मतलब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स बिटवीन 25 मार्च और 14 अप्रैल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मार्च एंड 14 अप्रैल तक की सस्पेंडेड है, करेक्ट। सो एयरलाइंस आर क्रिएटिंग ईदर अ क्रेडिट वाउचर इक्विवेलेंट टू द बुकिंग अमाउंट ऑन देयर वेबसाइट और योर टिकट स्टेटस इज बीइंग चेंज टू ओपन, विच मीन्स यू कैन पिक अ फ्यूचर ट्रैवल डेट विदाउट एनी रेशेड्यूलिंग चार्जेस। ओके ओके, सो इसका मतलब ये है कि एयरलाइंस या तो आपके लिए एक क्रेडिट वाउचर रेडी करेगा सेम अमाउंट का जो कि आपने टिकट बुक किया था इस टाइम पे, सेम अमाउंट का आपके लिए क्रेडिट वाउचर रेडी करके आपको बता देगा, और नहीं तो वो आपकी टिकट की स्टेटस को ओपन रखेगा, राइट। वो कैंसिल की जगह ओपन हो जाएगा, अपने आप ही वो स्टेटस चेंज कर देगा, ओपन कर देगा, एंड उसके बाद आप कोई से भी फ्यूचर ट्रैवल डेट विदाउट एनी रिशेड्यूलिंग चार्जेस, तो आप कोई से भी फ्यूचर डेट को सेलेक्ट कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के, विच इज़ ग्रेट न्यूज़ एक्चुअली, बहुत अच्छी खबर है। मेक माई ट्रिप विल अप्रोच यू शॉर्टली विद अ प्रोसेस टू टेक योर अल्टरनेटिव ट्रैवल डेट, यू कैन एक्सेस योर बुकिंग एट दिस प्लेस। ओके, सो मेक माई ट्रिप बताता है कि मैं कि मेक माई ट्रिप से आपको कुछ टाइम बाद और कम्युनिकेशन आएगा कि कैसे हम अपनी ट्रैवल को रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो इसके बाद मुझे जो है नेक्स्ट मैसेज इनका आता है अभी इवनिंग में 7:24 PM पे। ओके, 7:24 PM पे मुझे मैसेज आया है, इसमें भी सेम मेक माई ट्रिप से ये मैसेज आया है, ड्यू टू लॉकडाउन ये वही बताते हैं कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की सारी सस्पेंडेड हैं, ऑल स्पाइसजेट कस्टमर्स हु आर बुकिंग फॉर ट्रेवल्स डेट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड विल रिसीव क्रेडिट वाउचर यस सर फ्रॉम द एयरलाइन सून। ओके, सो यू कैन यूज द क्रेडिट वाउचर सेल टू रिबुक योर न्यू ट्रेवल डेट्स ऑन स्पाइसजेट वेबसाइट एनी टाइम आफ्टर 1 अप्रैल। ओके, सो अब ये कह रहे हैं कि स्पाइसजेट कस्टमर्स को हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमें जो है इसके अगेंस्ट क्रेडिट वाउचर और जिसको हम सेल अकाउंट बोलते हैं वो हमें मिल जाएगा स्पाइस जेट से, और हमें वेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल तक का। सो आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद हम किसी भी टाइम पे इनकी वेबसाइट पे जाके अपना टिकट रिसीव कर सकते हैं। तो देखते हैं ये एक यू कैन एक्सेस योर बुकिंग एट दिस प्लेस, ओके, मेक माई ट्रिप। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिलता है। सो ओके दोस्तों, तो मैंने व्हाट्सएप का मैसेज लिंक क्लिक किया है और ये मुझे लेके आ गया है सीधा इस पेज पे, ओके, मेक माई ट्रिप के पेज पे लेके आ गया, एंड ये सारा ये मेरी टिकट की डिटेल दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ जस्ट सिक्योरिटी रीजन से, ओके, एंड मैं चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने अभी तक चेक नहीं करा है कि क्या है, बैंगलोर टू दिल्ली 9:30 to 12, ओके ठीक है, एंड डिटेल्स नॉट अवेलेबल है चेक इन का, कैरी ऑन का डिटेल्स नॉट अवेलेबल है, टिकट का स्टेटस मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली। ओके, हमने इसमें सीट भी ले लिया था, टोटल अमाउंट मैंने किया है 14,177, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोविड ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन इन द कंट्री ऑनिंग कोरोना फ्लाइट बिटवीन 25 स्पाइसजेट, ओके, यहाँ भी वो सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड स्पाइसजेट वेबसाइट एनी टाइम एंड 1 अप्रैल के बाद हम लोग अपना न्यू ट्रैवल बुक कर पाएंगे। ओके, सो डबल ब्लैक एंड जीरो कैंसिलेशन, सो फोर्स मेजर इवेंट फॉर बुकिंग्स कवर अंडर डबल ब्लैक एंड जीरो कैंसिलेशन, द कैंसिलेशन रिफंड हैज बीन सस्पेंडेड, ओहो, एयरलाइन हैज एश्योर दैट योर बुकिंग अमाउंट इज सेफ।
सो अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि कैंसिलेशन अमाउंट हमें मिल पाए, सॉरी जीरो कैंसिलेशन वालों को क्या पूरा रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ओके जो भी लॉकडाउन चल रहा है एंड जिस प्रॉब्लम से हम लोग अभी गुजर रहे हैं उसमें ये मेंशन करा है इन्होंने कि जिनका जीरो कैंसिलेशन था या डबल ब्लैक का जिन्होंने कुछ कूपन अप्लाई किया होगा या जीरो कैंसिलेशन का वाउचर जो लिया होगा तो उनको भी रिफंड नहीं मिलेगा। द कैंसिलेशन रिफंड हैज बीन सस्पेंडेड नाउ, उनके लिए भी जो टिकट है वो एक नॉर्मल टिकट है, तो मीन्स रिफंड तो किसी को मिल नहीं रहा, तो हमें सिर्फ एक नया डेट, हमें सिर्फ ऑप्शन मिलेगा न्यू डेट चूज़ करने के लिए। मुझे कुछ इसमें अभी स्टेटस दिखा नहीं है नया स्टेटस कि मुझे कहाँ से इसको ओपन करना है, देखते हैं अभी तो मुझे कहीं पे ऑप्शन मिला नहीं, तो हो सकता है कि 1 तारीख के बाद यहाँ पे कहीं पे ये राइट हैंड साइड में ये लोग कुछ ऑप्शन देंगे हमको कि हम कैसे करके अपना नया टिकट चूज़ कर सकते हैं। सो एयरलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर स्पाइस जेट का 9871803333, इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और इनकेस अगर आपकी स्पाइस जेट की फ़्लाइट है तो आपको भी ये मैसेज आ चुका होगा, इनकेस अगर दूसरी एयरलाइंस की कोई फ्लाइट कोई बुकिंग आपकी है तो ऑब्वियसली आपको भी मैसेज आ चुके होंगे। ओके एंड नेक्स्ट वीडियोज़ मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तो मैंने सोचा एक ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूँ ताकि आप अपडेट रहें। एंड जो नेक्स्ट जो अभी काफ़ी लोगों ने मुझसे गो एयर के बारे में और एयर इंडिया के बारे में क्वेश्चंस किए थे, उनकी वीडियो भी मैं कल तक अपलोड कर दूँगा एंड मैं आप लोगों को अपडेट रखूँगा कि कैसे कैसे करके क्या करना है। प्लीज़ कीप फॉलोइंग अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अलॉट टू मी। एंड पीछे जो आप नॉइस सुन रहे हो ये मेरा यू नो हीरो है, ये भी अभी तक सोया नहीं है। सो गुड नाइट एवरीवन एंड अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।